न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभु जी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारिया गांव में। और खारिया गांव में आपको बता दूं कि आज गांव के लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा एक ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। यहां पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है उसके आगे जो आज क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती भी है, उनके प्रतिमा पे माला अर्पण करके और तिरंगा ध्वज फहरा करके किसान जो है उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए कितनी संख्या में किसान यहां से रवाना हो रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा को समर्थन करने के लिए। देखिए तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसान जो है वो ट्रैक्टरों पे सवार हो करके इस ट्रैक्टर यात्रा को समर्थन करने के लिए जो है वो कितने उत्साह के साथ जो यहाँ से निकल रहे हैं। अगर बात करूँ तो सैकड़ों की संख्या में ये जो ट्रैक्टर यात्रा के अंदर जो ट्रैक्टर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और पूरे खारिया गाँव से ये ट्रैक्टर हैं। आसपास के किसी भी गांव से ट्रैक्टर जो है यहां पे नहीं पहुंचे हैं और सिर्फ खारिया गांव के किसानों ने एक रैली का आह्वान किया। सिर्फ एक छोटे से आह्वान पे, छोटे से संदेश पे इतनी बड़ी संख्या के अंदर ये जो ट्रैक्टर हैं वो यहां पे खारिया गांव की इस ट्रैक्टर यात्रा के अंदर पहुंचे हैं। चलिए मैं कुछ किसानों से आपकी बातचीत करवाऊंगा, किसानों से बातचीत करेंगे कि इस रैली का रूट जो है, इस ट्रैक्टर यात्रा का रूट जो है वो क्या क्या रहने वाला है, कहाँ से खारिया गांव से शुरू होने के बाद कौन कौन से गांव में ये ट्रैक्टर यात्रा जो है वो जाएगी और क्या 26 जनवरी को होने वाले किसान आंदोलन में ये तमाम जो ट्रैक्टर है वो हिस्सा लेंगे उस परेड में या फिर केवल मात्र इस गांव के अंदर ये ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके इसका समापन जो है वो कर दिया जाता है। कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो आज ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हो गांव से शुरू होकर के कहाँ कहाँ इसका रूट रहेगा और क्या मुख्य उद्देश्य है? अभी तो ये रूट लोकल गांव में रहेगा, यहाँ से पनीवाड़ा मोटा सऊवाड़ा और पनीवाड़ा होकर 5-7-10 गांव में जाके आएगी यात्रा। पहले पूरे गांव का चक्कर लगाएगी यात्रा? नहीं, पहले जाएगी सीधी गांव में, तो यही हो गया गांव में तो सारा आ गया गांव वाली, इसमें क्या बात है। ठीक है, उद्देश्य सर इसका क्या? उद्देश्य एक ही है, जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं वो वापिस ले। सरकार के ये मन में है कि बॉर्डर पे जितने किसान बैठे हैं ये इतने ही हैं, इतने नहीं है। आप देख सकते हो, देखो 500-600 ट्रैक्टर यहाँ जा रहे हैं, हर गांव में ये है। अगर सरकार ने कोई गलती कर ली तो ये मान के चलो कि इस देश मतलब ना गर्क जाएगा। अगर बात करें तो 26 जनवरी को, क्योंकि जो भी ट्रैक्टर यात्रा निकली है उनका उद्देश्य एक ही रहा है कि 26 जनवरी को होने वाली परेड में हिस्सा लेने के लिए रिहर्सल जो है वो ट्रैक्टरों के द्वारा की गई थी, तो 26 जनवरी को यहाँ से कितने ट्रैक्टर हिस्सा ले रहे हैं? यहाँ से ट्रैक्टर पहले जा चुके हैं, बाकी अभी ये जो ट्रैक्टर आज रैली निकालने के बाद में, घर आने के बाद में, ये अपनी एक कमेटी बनी हुई है वो फैसला करेगी कितने ट्रैक्टर जाएंगे, और जाएंगे जितने भी 20 जाए, 50 जाए, 100 जाए, जाएंगे ट्रैक्टर। शुक्रिया बातचीत के लिए। और भी कुछ किसान हैं जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ जी, किसानों का बहुत संगठन अच्छा चल रहा है और हर हालत में जीत होगी, इससे नकारा नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे भाई? मैं कल दिल्ली से आया हूँ जी, एक हफ्ता ड्यूटी लगी थी वहाँ। जो मीडिया के अंदर ये अफवाह फैलाई जा रही है भी किसान आंदोलन उग्र है, वहाँ मैं एक हफ्ता लगा के हूँ, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं जी वहाँ। सर आप क्या कहेंगे? हम तो मोदी से ये अपील करते हैं कि जो ये डेथ वारंट जारी किए हैं किसानों को, ये मोदी सरकार वापस ले और किसानों को कारपोरेट घरानों के गुलाम न बनाए। यह पूरा जो देश की अर्थव्यवस्था है इसमें किसानों से ही चल रही है। शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा। तमाम जो ट्रैक्टर पे किसान हैं वो सवार होकर के इस ट्रैक्टर यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए एक किसान नेता, किसान से बातचीत करते हैं ट्रैक्टर पे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे?
ट्रैक्टर यात्रा के लिए हम किसान आंदोलन के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए, हक के लिए जी। धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए और कुछ किसान है, बातचीत करेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर पे जो किसान ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हो रहे हैं उन किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस ट्रैक्टर यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रैक्टर यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? ये मोदी के विरोध है जी, काल तीन कानून है उनके विरोध है जी, ये तीनों कानून काल है इनके विरोध में मोदी के खिलाफ रैली निकाल रहे। 26 जनवरी को जाओगे? हाँ जी, दिल्ली जाएंगे 26 जनवरी को जी, बिल्कुल काफिला लेके जाएंगे, सारा ट्रैक्टर लेके जाएंगे जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम किसान जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर पे सवार होकर के लगातार ट्रैक्टरों की जो लाइन है वो नहीं टूट रही है। अगर बात करूँ तो 400 से 500 ट्रैक्टर जो है खारिया गांव, अकेले खारिया गांव से इस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए हैं, और लगातार आधा घंटा से भी ज़्यादा का समय हो चुका है ये ट्रैक्टर जो है वो लगातार जा रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। यानी कि ट्रैक्टर एक के पीछे एक ट्रैक्टर लगातार जुड़े हुए हैं, और 400-500 की संख्या में इस ट्रैक्टरों के साथ ये ट्रैक्टर यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। अब अगर बात करूं तो खारिया गांव से शुरू हो करके ये यात्रा जो है पन्नीवाला मोटा और आसपास के गांव से होती हुई खारिया गांव के अंदर वापस आएगी। दूरदराज का जो गांव है वो पन्नीवाला मोटा है, यहाँ से खाई शेरगढ़ से आगे एक दो गांव से होती हुई पन्नीवाला मोटा, और पन्नीवाला मोटा से वापस जो है ये खैरेका होती हुई पंजवाना खैरेका होती हुई वापस जो है खारिया गांव के अंदर पहुंचेगी। तो ऐसे में किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि 26 जनवरी को हर हालत में वो दिल्ली पहुंचेंगे, और किसानों के होने वाले ट्रैक्टर मार्च में ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे, और जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तब तक ये लोग जो है वो वहीं पर डटे रहेंगे। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।